सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर चालू किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और मैंने आपको कहा था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ में ही एक और चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये दोनों चैप्टर्स का ग्रुप है, जिसमें से 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक 20 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर समझने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी आपको आनी ज़रूरी है। तो कल अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन से होते हैं, और गुडविल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और गुडविल की कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की आवश्यकता कब पड़ती है, एकाकी व्यापार में कब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, साझेदारी में कब आवश्यकता पड़ेगी, और कंपनी के प्रारूप में गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है, ये अपन पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब आज से अपन इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात चालू करेंगे। तो देखिए, गुडविल का जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो निकालने हैं वास्तविक औसत लाभ, और इसी को अपन कहते हैं प्रत्याशित लाभ, और इसी को तीसरा नाम है भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। ये तीनों का मतलब एक ही है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जब तक आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना नहीं करोगे तब तक गुडविल नहीं निकल सकती। यानी गुडविल का जो भी प्रश्न आएगा उस सभी प्रश्नों के अंतर्गत एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना गुडविल निकलेगी नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल की कैलकुलेशन का। तो इसके मैंने आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इसके समझिए इसको, ये 7-8 पॉइंट अभी आज आप समझ लेंगे लेक्चर के अंदर। इसके बाद इसके छोटे से 4-5 पॉइंट और हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो देखिए समझिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहते किसे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो कंपनी या व्यवसायी आने वाले लाभों के अंतर्गत सामान्य रूप से कमाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल का मतलब ही है वास्तविक औसत लाभ, तो कई वर्षों के लाभों का इसमें औसत लेना है। तो जब भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको प्रश्न के अंदर कई वर्षों के लाभ दे रखे होंगे, 3 वर्षों के, 5 वर्षों के, 6 वर्षों के, 2 वर्षों के, 7 वर्षों के, कई वर्षों के लाभ दिए गए होंगे। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए वर्षों के, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्षों के कर के पश्चात लाभ ज्ञात किए जाते हैं, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। कर के पश्चात लाभ ज्ञात करने हैं आपको, प्रश्न के अंदर वैसे नॉर्मली कर के पश्चात लाभ ही दिए होते हैं। अगर बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से आप टैक्स घटा देंगे तो वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बन जाएगा। तो वो 3, 5 या 7 वर्षों के लाभ दे रखे होंगे प्रश्न में आपको, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अपन एक एक करके लिख लेंगे। उसके पश्चात आप प्रश्न को पढ़ के देखोगे, यदि किसी वर्ष, जैसे मान लो आपको 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं और उन 5 वर्षों में से किसी वर्ष में असाधारण लाभ या आय हो गई तो उसको उस वर्ष के लाभों में से घटा दिया जाता है। घटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि असाधारण लाभ या आय होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अपने को चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट। और असाधारण आय हर साल होती नहीं है, असाधारण लाभ या आय हर साल नहीं होती है, इसलिए अपने को एक्चुअल प्रॉफिट की गणना करनी है। तो असाधारण आय या असाधारण लाभ को उस वर्ष के लाभों में से कम कर दिया जाएगा, क्योंकि लाभों के कारण प्रॉफिट बढ़ गया, अपन उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो अपन असाधारण लाभ को उस वर्ष के लाभों में से घटा देंगे। असाधारण लाभ को अब आपको डायरेक्ट नहीं लिखेगा प्रश्न के अंदर कि असाधारण लाभ हो गया क्या, आपको प्रश्न में घुमाकर देगा ये बात। तो आपको अपने स्वयं को पढ़ के क्वेश्चन को समझनी पड़ेगी। जैसे आपको लिख देगा क्वेश्चन में कि एक वर्ष में कंपनी को सट्टे से व्यवसाय में अचानक से 50,000 रुपये का लाभ हो गया, तो सट्टे से लाभ हो गया 50,000 रुपये का किसी एक वर्ष में, तो उस वर्ष को के लाभों में वो असाधारण लाभ मानेंगे, क्योंकि सट्टे से आय हर वर्ष नहीं होती है। या किसी वर्ष कंपनी ने कोई संपत्ति बेची, संपत्ति के विक्रय करने से 20,000 रुपये का लाभ हो गया, तो संपत्ति कंपनी हर वर्ष नहीं बेचती है, ये एक असाधारण लाभ हो गया, उसको भी अपन लाभों में से घटा देंगे। इसी का बिल्कुल रिवर्स पॉइंट एक ध्यान रखना है आपको, यदि किसी वर्ष असाधारण हानि या व्यय दिया गया हो तो उसको उस वर्ष के लाभों में जोड़ दिया जाता है। तो इसको जोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि असाधारण हानि या व्यय होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, अपने को चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट,
तो अपन उस हानि को वापस से जोड़ देंगे जिससे वो प्रॉफिट एक्चुअल बन जाए। तो असाधारण हानि या व्यय को वापस से जोड़ दिया जाता है। यही बात आपको प्रश्न में ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट असाधारण हानि नहीं लिखेगा, आपको ये कहेगा कि व्यवसाय में किसी एक वर्ष में आग लग गई थी, उस आग लगने से 50,000 रुपये की क्षति हो गई। तो आग लगने लग गई ये क्या हो गई, असाधारण हानि हो गई, हर वर्ष तो आग लगती नहीं है। या किसी वर्ष चोरी हो गई, उस चोरी होने से हानि हो गई। या किसी वर्ष मजदूरों की हड़ताल हो गई, उस हड़ताल के कारण हानि हो गई। तो ये सारी असाधारण हानियाँ हैं, उनको उस वर्ष के लाभों में जोड़ दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, असाधारण लाभों को घटा देंगे, असाधारण हानि को जोड़ देंगे। चौथा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि गैर व्यापारिक विनियोग की आय दी गई हो प्रश्न में, तो उस वर्ष के लाभों में से उसको घटा दिया जाता है। क्योंकि गैर व्यापारिक विनियोगों को अपन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो व्यापार से संबंध नहीं है जिन विनियोगों का, तो उन विनियोगों की जो आय होगी उसको भी अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय घटा देंगे। अब आपको गैर व्यापारिक विनियोग कैसे पता चलेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट लगा रखा है कि गैर व्यापारिक विनियोगों की पहचान प्रश्न में दी गई बैलेंस शीट की असेट में से स्वतः करनी है। आपको प्रश्न में लिखेगा नहीं कि गैर व्यापारिक विनियोगों की आय हो गई, आपको स्वतः ही बैलेंस शीट की स्टडी करनी है, बैलेंस शीट की असेट साइड देखनी है, बैलेंस शीट की असेट साइड में ये पता करना है कि गैर व्यापारिक विनियोग है या नहीं है। अगर गैर व्यापारिक विनियोग हैं तो कितने रुपए के हैं और उनसे आय कितने रुपए की हुई है, इसकी गणना आपको स्वतः करनी है प्रश्न में बैलेंस शीट की असेट साइड को देखकर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्वयं को चेक करना है। तो गैर व्यापारिक विनियोगों की पहचान प्रश्न में दी गई बैलेंस शीट की असेट साइड में से स्वतः करनी है और उससे उत्पन्न आय की भी गणना स्वतः करनी है और उस आय को अपन लाभों में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पॉइंट तो अब आपको सारे के सारे बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल समझने हैं, क्योंकि इनके बिना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा नहीं। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में ये प्रश्न में सारे पॉइंट एक साथ नहीं देगा आपको। मान लो आपको एक असाधारण लाभ का पॉइंट दे दिया, एक गैर व्यापारिक विनियोग का पॉइंट दे दिया, इनमें से 7-8 पॉइंटों में से 3-4 पॉइंट जरूर डाल देगा क्वेश्चन के अंदर। एक पाँचवा पॉइंट है दायित्व व हानियों के लिए बनाए जाने वाले आयोजन यानी प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इत्यादि की राशि यदि प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं घटाई है तो इनकी रकम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय घटा दी जाती है। इसका मतलब यह है, प्रश्न के अंदर यूँ लिखेगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के 5% बनाए थे लेकिन बनाने चाहिए थे 10%। इसका मतलब 5% तो बनाए हुए हैं, 5% राशि तो घटी हुई है और बनाने कितने चाहिए थे 10%, तो अपन अब 5% राशि और घटा देंगे। और अगर बिल्कुल भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं घटाया है तो सवाल में लिखेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% बनाना था जिसको और जिसकी राशि प्रॉफिट में से नहीं घटाई हुई है, तो वो अब घटा देंगे अपन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्स या ऐसे ही अन्य कोई आयोजन यदि प्रश्न में उनकी राशि लाभों में से नहीं घटाई गई है तो अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अपन उस राशि को लाभों में से घटा देंगे। ये बात प्रश्न के अंदर लिखी हुई होगी, आपको सावधानी से प्रश्न पढ़ के ये पॉइंट पता करना है। एक ये 6 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न के अंदर दिया गया होगा। ये वाला पॉइंट आपको दिया नहीं गया होगा, ये आपको स्वतः ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ में एक नोट लगाया है कि ये पॉइंट आपको स्वतः ध्यान रखना है, बाकी पॉइंट तो प्रश्न में लिख देगा वो। तो देखिए ये 6 पॉइंट में क्या लिखा है, स्टॉक और अन्य चालू संपत्तियों के मूल्य में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसका समायोजन भी चालू वर्ष के लाभों में से किया जाएगा। यदि इनके मूल्य में कमी होती है तो लाभों में से घटा दिया जाता है और वृद्धि हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। तो देखिए बैलेंस शीट की असेट साइड में करंट असेट्स दे रखी होंगी, तो करंट असेट्स के यदि मूल्य में कोई उच्चावचन होता है, कोई फ्लक्चुएशन होता है उनके मूल्य में, बैलेंस शीट की तुलना में दिए गए मूल्य, बैलेंस शीट में जो मूल्य दे रखा है उस मूल्य की तुलना में यदि उनका मूल्य बढ़ जाता है या उनका मूल्य कम हो जाता है तो उसका एडजस्टमेंट भी आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय करना पड़ेगा। यदि करंट असेट्स के मूल्यों में कमी हो गई हो तो उसको घटा देंगे और यदि वृद्धि हो गई हो तो उसे जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अपने को निकालने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और उपर्युक्त ज्ञात किए गए लाभों का, ये देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन करा है, या तो सामान्य औसत और या भारित औसत ज्ञात किया जाता है। फिर इन, क्योंकि आपको मैंने कहा था कई वर्षों के लाभ दे रखे होंगे, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 6 वर्ष या 4 वर्ष, तो कई वर्षों के लाभ दे रखे होंगे, तो लास्ट में इन लाभों का अपने को क्या करना पड़ेगा,
औसत निकालना पड़ेगा। अब औसत दो प्रकार से निकलता है, या तो सामान्य औसत निकालेंगे और या निकालेंगे भारित औसत। सामान्य औसत तो आपको निकालना आता ही है कि 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं तो 5 वर्षों के लाभों में ये एडजस्टमेंट करें। सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही तो एडजस्टमेंट है। ये 5 ही तो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में तो लाभ दे रखे होंगे करके पश्चात, फिर एक एडजस्टमेंट तो असाधारण लाभ का है, एक एडजस्टमेंट असाधारण हानि का है, एक एडजस्टमेंट गैर व्यापारिक विनियोग की आय का है, एक एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्स की राशि पहले नहीं घटाई है तो उसका है, एक करंट असेट्स या स्टॉक के मूल्यों में कोई वृद्धि या कमी हो गई तो इसका है। तो ये टोटल एडजस्टमेंट कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांचों भी एक साथ सवाल में नहीं देगा, 5 में से 2 या 3 एडजस्टमेंट देगा आपको। अब आपको ध्यान नहीं रखना है कि इन पांचों, ये जो वर्षों, कई वर्षों के लाभ दे रखे थे, इनका आपको क्या करना है, लास्ट में औसत निकालना है। औसत या तो सामान्य निकलेगा या निकलेगा भारित। अब सामान्य औसत तो कैसे निकालते हैं? 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं तो 5 वर्षों के लाभों का टोटल लगाओगे, टोटल में किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से भाग दे दोगे तो सामान्य औसत आ जाएगा। भारित औसत के अंदर पहले उनको भार देने पड़ेंगे। 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं तो पहले तो वर्षों के लाभ लिखोगे, फिर उनका वेट दोगे 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उनकी लाभों की और वेट की, भार की गुणा की जाएगी, वेटेड प्रॉफिट आएगा, और वेटेड प्रॉफिट में फिर भाग 5 का नहीं लगेगा, फिर भाग किसका लगेगा, वेट के योग का, भारों के योग का भार लगेगा, तो भारित औसत ज्ञात हो जाएगा। ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वापस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वापस समझाऊंगा सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं और भारित औसत लाभ कैसे निकालते हैं। अब ये जो औसत आ जाएगा, फिर इन औसत लाभों में 6 समायोजन और करने हैं। अभी ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकला नहीं है, अभी तो खाली क्या चीज़ आई है, औसत लाभ आए हैं, और अपने को कौन से चाहिए, वास्तविक औसत लाभ। तो ये जो औसत लाभ आ गए, इस औसत लाभों में निम्न 6 समायोजन किए जाते हैं। तो अब 6 समायोजन और हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 समायोजन ये हैं, और 6 समायोजन और हैं। 6 और 5 टोटल हो गए कितने समायोजन, 11 समायोजन। तो ये टोटल 11 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझने जरूरी हैं, इसके बिना आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर ही नहीं सकते। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके मैंने यहाँ तक औसत लाभों तक आज आपको समझाया है। औसत लाभों के अंदर फिर 6 समायोजन और करने हैं, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि ये 6 समायोजन कैसे किए जाते हैं और कौन कौन से समायोजन हैं। उसके पश्चात अपन 1-2 इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे जिससे आपको ये पूरा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि ये आधा चैप्टर आपके पूरा का पूरा गुडविल का समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे की इसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।